तो उनकी शुरू हो जाती है अंग्रेजी में बात में जानबुझ के इधर उधर क्रेन कौन लगा रहा है कैसे लगा रहा है जान मुझ के जानबुच तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनका क्या है मुझे देखना है कमलेश सावंत कैसे किरदार बदलते हैं तो, है। है, तो तुमको भी दे, दे थोड़ा कट। और और <laughs> 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 नमस्कार मैं कमलेश तुकार सावंत और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा मेरा सबसे पहला सवाल है आपके लिए वट इज बीन द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपने अभी तक आपके परफॉर्मेंस के लिए रिसीव किया है यही okay. की बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये होती है मेरे लिए कि आप मेरे बारे में अच्छा मत बोलो मुझे ये बताओ कि मेरी क्या गलती हुई okay. तो अभी तक वो मोमेंट आई नहीं है अभी तक किसी ने मुझे बताया नहीं कि गलती क्या हुई okay. अभी तक मेरे गुरु ने भी बताया okay. नहीं okay. कि जितने भी उन्होंने मुझे मेरा काम देखा है तो वो मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगी क्योंकि मैं उसमें सुधार सकता हूँ क्या बात है सबसे डरावना कॉम्प्लीमेंट कोई याद है मैं पहले कलवा में रहता था तो, तो उसमें एक छोटी बच्ची छोटी बच्ची नहीं वो दो साल की बच्ची उसने मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे कि स्वराग के बाबा ने अच्छा काम किया है लेकिन उनको बोलो कि बच्ची को मत मारे तो मेरे लिए वो, थोड़ी वो दो साल की बच्ची और वो गायतोंडे के कैरेक्टर को देख के वो मुझे रिलेट किया है उसने डायरेक्ट कमलेश सावंत को स्वरा के बाबा को और स्वरा के बाबा अच्छे है वैसे नहीं है मुझे पता है ये भी उसने ऐड किया था वो तो और डरावना होगा क्योंकि बच्ची मेरे प्रति ऐसे सोच रही है कि रही। मैंने देखा कि सोरा के बाबा तो अच्छे है फिर उन्होंने उसने क्यों मारा वो बच्ची को क्या प्रभाव पड़ा है हाँ और वो दो साल की बच्ची है है तो जी जी बड़े बड़े चलो ठीक गालियां दे वो चीज वो है अपेक्षित है वो घुस गए भूमिका में इसके लिए है तो अच्छी बात है उस कलाकार के लिए भाई कोई तो उसके भूमिका में घुस रहा है लेकिन वो बच्ची का क्या करे दो साल की बच्ची उसको कितना सोच रही होगी और क्या उसने मैसेज भेजा

लोग <laughs> अच्छा आपके कैरेक्टर के अलावा निभाना होता है तो किसका आई जी छोड़ के <laughs> तो उतने में कर सकता हूँ कामत जी की कौन सी बात आपने सबसे ज्यादा मिस की दोनों भी अच्छे तो मिस नहीं हो पाए अभिषेक पटक जी भी फर्म है आपने तो अभी बिल्कुल सिनेमा देखा हुआ

क्योंकि सोचते ना कि अभी भी रहते तो वो कैसे थे चूजी थे हुँ. वो साल में पांच नहीं करते करते थे थे एक फिल्म करते थे, लेकिन वो आपके आपके ध्यान में रहे आपके मगज में रहे तो ऐसे चूजी थे वो. तो हम भी यही बोलते हैं सब लोग यही बोलते हैं और रहते तो और दस सिनेमे अच्छा हमें देखने को मिले क्या आपको याद है कि वन में आपको कितना रेमुनरेशन मिला था वो कैसे बता सकते हैं पुरुष मालूम है आपको स्त्री अपना वजन और वही नहीं बताती वैसे पुरुष अपना पगार नहीं बताता लेकिन अच्छा मिला था तो, क्योंकि स्टूडियो जी इन्होंने अच्छे खासे जिस कैरेक्टर का जो अहमियत है उसके हिसाब से उन्होंने दे। अभी सेकंड में मुझे अच्छे दिए उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक नहीं है आपके हिसाब से मुझे नहीं लगता सब, सब जगह है अच्छा है क्योंकि देखो जैसे मराठी में मराठी थिएटर किए हुए लोग हैं

निर्माता पैसा डालेगा करेक्ट लेकिन क्रिएटिविटी पैसे के ऊपर निर्भर नहीं, नहीं।, नहीं। जब जब है 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 क्रिएटिविटी सेम रहती लेखक जब जन्म जन्म देता देता किसी भी कथा को hmm. तो देता है ना, तो ना वो ये नहीं सोचता है और बाप कौन है तो निर्देशक है वो संस्कार करता है और प्रेजेंट शो करते बच्चे करते कलाकार करते बिल्कुल बिल्कुल तू तो हर जगह पे हर सब्जेक्ट में क्वालिटी काम होता है सिर्फ प्रेक्षक माइवाप्रेसी को प्रेक्षक

ओके <laughs> okay. uh, अगर आप इन सुपरस्टार्स को एक सवाल पूछ पाते तो क्या पूछते सब में क्वालिटी नहीं होती करेक्ट जो आप में है अक्षय कुमार अक्षय कुमार जी तो बहुत स्पोर्टिव आदमी बहुत स्पोर्टिव आदमी क्या बात वो तो आगे में चेंडू लेके आते थे उनका और वही जीतते थे

सिर्फ आ गए हाँ। और वो मराठी में सब चीजें फैल गई हाँ। तो ये बैठे रहते थे जॉन जी मोनिश बैल जी अमित गौर जी और मैं वैनेटी में गंटा लगे बाहर आया तो जॉन सर बुलाते थे अरे कमी जी आईया मैं परेशान होता था अंग्रेजी में बात करेंगे मुझे क्या फायदा? तो उनकी अंग्रेजी में बात में जान बुझके इधर उधर क्रेन कौन लगा रहा है कैसे लगा रहा है जान बुझे तो मुझे समझ में नहीं रहा था इनका क्या है फिर उनमें जो जोक्स होता था ना हाँ. वो हिंदी में मुझे सुनाते थे जॉन जी अच्छा अच्छा क्या हुआ जी सुनो आ, क्या <laughs>

ये चीज है कि बहुत बहुत सारे लोग नहीं करते करती बहुत कम लोग हैं जैसे दृश्य कितनी बुरी बात है जी। फोन करके मुझे सरा बताया कमलेश क्या काम किया यार तुम तो किनके -किन, किन के नाम तो ये पूरी मराठी इंडस्ट्री के जितने दृश्यम वन के बाद अभी के बाद दुश्यम टू देखने के बाद भी फोन कर रहे एक कलाकार जिनके साथ मैंने सह कलाकार के तौर पर काम किया है वो कलाकार आज मराठी के भी जब दिग्गज भी है वो भी मुझे फोन करके बता रहे हैं ये बहुत अच्छा क्या बुरा क्या मुझे hmm. पता नहीं। तो कम फोन आए लेकिन hmm. इस वक्त दृश्यम वन में दृष्टि टू में फोन आते रहे तो ये बहुत बड़ी बात है तो इसके पीछे पीछे निशिकांत कामत जी इसके पीछे अभिषेक पाठक जी और संवाद लेखक एक ऐसा रोल एक ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हैं आगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं, ड्रीम में नहीं। मैं, मैं सपने में नहीं जीता हूँ और उसी के ऊपर रात को मुझे कुछ सपना आ जाता है था, मुझे पकड़ा था। <laughs> मैं डर जाता हूँ इसलिए मैं किसी भी ताज में भी अकेले नहीं रहता मेरे बॉय प्रोटोकॉल जाने दो बॉय मेरे साथ डबल बेड रखो मेरे साथ बॉय

कुछ भी आज भी आज हाँ। भी वही होता है हाँ। मैं सोया नो तो ऐसा कुछ होता है किसी को मुझे पकड़ा ऐसे में छोड़ दे आओ ऐसे हो जाता है मेरा फिर वो आवाज आती है थोड़ी सी फिर मेरी ब्यूटी क्या हुआ नहीं नहीं कुछ नहीं <laughs> ये एपिक था बेस्ट था ये मतलब कमलेश सावंत उर्फ इंस्पेक्टर गायतोंडे जिन्होंने हमें डराया है एक्चुअली सपने में बहुत डरते हैं बट आई जस्ट टू से कि आज के इस इंटरव्यू के बाद एक बहुत ही हम्बल एक मैन हु इज सो ट्रू टू क्राफ्ट हमें आज देखने मिला एंड सो एंटरटेनिंग मोस्ट मैं उसके लिए तो आपके लिए तालियां बजाना चाहती हूँ सीरियसली हम सब बजाना चाहते हैं थैंक यू सो मच कमलेश जी बस हमें उम्मीद है कि दृश्यम जितनी भी बार बने कोई रहे ना रहे लेकिन इंस्पेक्टर गायथोंडे तो डेफिनेटली रहे और आगे भी वाई जस्ट इंस्पेक्टर गाय थोड़े कमलेश सावंत एज एन एक्टर एज ए फाइन एक्टर हर जगह ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहे तो so, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच कमैश